गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं देवांगना में और यहां का दर्शन करेंगे। और यहां का आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और इसके पीछे भी देख सकते हैं, यहां पे ये मंकी देख सकते हैं आप लोग ब्लैक में। तो गाइस यहां पे मंकी हैं, अभी इनको भी भोजन करवाते हैं। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी हम पहाड़ पे हैं, आप इसके सामने देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का व्यू दिख रहा है। यहाँ प्राकृतिक तरीके से बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहाड़ के ऊपर ही हैं। कम से कम नहीं 15-16 किलोमीटर पैदल चल के हालत तो ख़राब हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इधर का कितना अच्छा व्यू। ये पूरा पहाड़ ही एरिया है, हम लोग पहाड़ के सबसे टॉप पर हैं और इसके इर्द गिर्द में भी पहाड़ हैं। तो चलिए फाइनली अभी कुछ खाना पीना खाते हैं, मिलते हैं ब्लॉग में। हाँ अभी हम लोग यहीं पे भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, भोजन नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके फाइनली सीता की रसैया में। यहाँ पीछे सीता की रसैया है और जस्ट इसी के पीछे इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का व्यू दिख रहा है। गाइस ये आप यहीं से हम नीचे जाएंगे और यहाँ से कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं नीचे से। गाइस हम लोग यहीं से पहाड़ से नीचे को उतरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली अभी यहीं से हम चलते हैं। गाइस यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है जो श्रद्धालुओं के लिए है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी गहरी बावली है, यहाँ पानी लोग नीचे उतर के लेने गए हैं। तो गाइस हम लोगों ने हनुमान धारा का दर्शन करने के बाद फाइनली पहुँच गए हम सती अनसुईया। तो गाइस फाइनली हम यहाँ का भी दर्शन करते हैं। फाइनली यहाँ का दर्शन हो गया है, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो गाइस अभी हम सती अनसुईया जी का दर्शन करने के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं आरोग्य धाम। और यहाँ अभी हम स्नान कर लिए हैं, इसके बाद हम भोजन पकाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ कैसा झरना चल रहा है और इसके पीछे भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली चलते हैं, भोजन वोजन करके मिलते हैं।
ये फाइनली हमारा भोजन बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए भोजन करने के बाद ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। फाइनली हम बिस्कुट से बैठे हैं और अभी इनका जो भी होगा वहाँ से बोलेंगे। यहाँ को पैर लड़का हो अगरीब हो, ये पटक पिला है जो ऐसा पटक सारे त्रिपुर में नहीं, जितना ठंडा ये अभी है इतना ठंडा ये मई जून के महीना में भी रहता है। तो गाइस हम फाइनली आ गए जानकी कुंड, यहाँ देखते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। गाइस फाइनली हम लोगों ने पहुंच गए रामघाट और यहां कुछ देर हम ठहरेंगे क्योंकि अभी हो रहा है रात के 12:35। तो गाइस यही रामघाट में हम लोग नहा धो के सीधा निकल जाएंगे कामतागिरी पर्वत पे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कामतागिरी पर्वत के पर और यहां पे हम लोगों ने दीपक जला दिया है। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो हम लोग करीब करीब 12 बजे के निकले हुए हैं और फाइनली दीपक जला चुके हैं, अब चलते हैं। बाकी है तो परिक्रमा करने के बाद मिल। तो गाइस आप देख सकते हैं कामतगिरी पर्वत की जो परिक्रमा होती है वो ऐसा ही होती है। हम सिद्ध बाबा के दर्शन करते करते हम पहुंच गए हैं लक्ष्मण पहाड़िया आ गए हैं, क्योंकि उनका परिक्रमा करते में हुए रास्ते में ही पड़ता है लक्ष्मण पहाड़िया। तो यहाँ पे हम आ गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहीं से लक्ष्मण जी जो है सीता माता सीता का जो है देख रेख यहीं से उनकी रक्षा करते थे, यही वो पहाड़िया है जो लक्ष्मण पहाड़िया बोलते हैं। तो फाइनली अभी चलेंगे हम और पूरी परिक्रमा को पूरी करेंगे। तो गाइस रविंद्र को देख लो, बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया है, चलते चलते इतना चल गया। और गाइस हम लोगों की परिक्रमा खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ का दर्शन हो चुका है। तो गाइस फाइनली आज हमारा 3 दिन का दर्शन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कोई धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो, बाय बाय।